हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 500 एमसीक्यू जो मैं लेकर आ रहा हूँ, तो ये भाग 6 है हमारा। इससे पहले 5 भाग मैंने अपलोड कर दिया है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। तो इसमें 2 टॉपिक से ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और 1857 की क्रांति, इन 2 टॉपिक से महत्वपूर्ण एमसीक्यू सिलेक्ट किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है इसमें। तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त को, इसको जमींदारी कहा जाता है, जमींदारी बंदोबस्त, या इसको अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसे किसने लागू किया था, तो इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। इसको 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या था थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्र से, ओके, इसके अंतर्गत क्या होता था कि जमींदार जो होता था इसको भूमि का स्वामी माना जाता था, और इसके अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्र से भू राजस्व की वसूली का 1/11 1/11 भाग अपने पास रखता था, और शेष 10/11 जो होता था वो कंपनी के पास जमा दे देता था। ठीक है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था, और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी क्षेत्र है यहाँ, और उत्तरी कर्नाटक, यहाँ पे लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे किया था। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो ये किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ओके, देखिए ये जो है सर टॉमस मुनरो और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है कर्नल रीड। ओके, कर्नल रीड, इनको रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। इस व्यवस्था में भूमि पर खेती करने वाला भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होता था, मतलब कि भूमि का टैक्स ये देता था, सरकार को देता था। सबसे पहले जो है वो कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इसे लागू किया था, इसको याद रखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो 1820 में फिर इसे मद्रास, बम्बई और असम के लगभग भागों में इसे लागू कर दिया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? महालवाड़ी व्यवस्था, इसको किस क्षेत्र में लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब में। ओके, महालवाड़ी व्यवस्था यह पंजाब में लागू किया गया था, और इसका सूत्रपात जो है वो सबसे पहले सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, और 1819 ईस्वी में, डेट आप याद रखेंगे। इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक जो किसान होते थे उनका खेत नहीं बल्कि ग्राम या महल होता था, याद रखेंगे, महल या ग्राम होता था। जो गांव के लोग होते थे, गांव के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे, और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ये सब क्षेत्र शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, ये कौन है? तो ये है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। ओके, सर सैयद अहमद खां, देखिए सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे, और उनका मानना था कि अंग्रेजों के सहयोग से भारत में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में जो है वो सहायता मिलेगी, इसलिए वे दादा भाई नौरोजी का जो धन का निष्कासन का सिद्धांत था, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको बोला जाता है,
थ्योरी, इसमें विश्वास ये नहीं करते थे। और ये जो है वो 1857 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में यह परिवर्तित हो गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यह मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले भी वीडियो में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक की रचना की, इसको लिखा है। ओके, और धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है वो इसी पुस्तक में इस चर्चा की गई है इनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, डेट बताना है आपको। ऑप्शन सी इसका आंसर है 1839 ईस्वी में। देखिए 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, 1833 के ईस्वी का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था इसी का परिणाम था। और इस अधिनियम के द्वारा चाय और चीनी के साथ, चाय और चाय और चीनी के साथ जो है वो व्यापार करने का कंपनी का एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया था चाय और चीनी के साथ। ओके, भारत में पहला चाय बागान असम में 1835 में लगाया गया था, और यहाँ जो चाय का उत्पादन होता था वो लंदन में बेचा जाता था। ओके, अब यहाँ पे जो है असम में जो चाय की कंपनी लगाई गई थी तो उस कंपनी का नाम क्या था? असम चाय कंपनी। ओके, याद रखेंगे असम चाय कंपनी, और इसकी स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ओके, देखिए 10 मई 1857, 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करके अपने साथियों को जो है वो छुड़ा लिया था, और दिल्ली की ओर ये प्रस्थान किए थे, भारतीय सैनिक जो है वो प्रस्थान किए। इसके बाद 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इनको भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना हम लोग कह सकते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरकपुर। ओके, बैरकपुर इसका सही आंसर होगा, बैरकपुर छावनी। देखिए 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के ये सिपाही थे मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, और इन्होंने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। और जो उच्च अधिकारी थे उनमें थे लेफ्टिनेंट बाघ और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन, इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद इनको फांसी की सजा सुना दी गई। ये जो है वो गाजीपुर के निवासी थे मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय। देखिए लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इसके द्वारा बम्बई, ओके, और कोलकाता, इसके बाद मद्रास, इसमें जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके बाद 1856 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। कैनिंग जो है वो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त होने वाला भारत का पहला वायसराय था, ये भी याद रखेंगे। व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए, व्यापगत का सिद्धांत या इसको हड़प नीति भी बोलते हैं, हड़प नीति का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा गया है। और इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। ओके, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र जो है व्यापगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए थे? वो था सतारा, जैतपुर और झांसी, ओके, और नागपुर। ओके, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था 1857 की क्रांति में? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी, जगदीशपुर। जगदीशपुर के निवासी थे बाबू कुंवर सिंह, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था, जगदीशपुर से किया था। बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा गया है, 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, और इसके ऊपर खूब विवाद चला था क्योंकि आयोग ने ही यहाँ पे इस प्रश्न में गलती किया था। ओके, ये जो है वो छापामार युद्ध करते थे कुंवर सिंह। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खान बहादुर खान। बरेली में इन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था, क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था, और बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह करके इसका दमन किया था। और 24 फरवरी, याद रखेंगे, 24 फरवरी 1860 को नगर छावनी कोतवाली में इनको फांसी दी गई थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस एन सेन। ओके, एस एन सेन। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ओके, मौलवी अहमदुल्ला शाह। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब का मूल निवास जो है वो कहाँ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगरा। ठीक है, देखिए, 27 दिसंबर 1796 को आगरा में इनका जन्म हुआ था। ये मशहूर उर्दू शायर थे, और मिर्जा गालिब जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे, और इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार नियंत्रण में लेने की घोषणा की, और इसी घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। ओके, इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित हुआ था उसी में इसको पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता थे? असम में यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। देखिए, असम में 1857 के क्रांति या विद्रोह की शुरुआत यहाँ के दीवान थे मनीराम दत्त, इन्होंने की, और वहाँ के अंतिम राजा थे, इनके पौत्र थे कंदपेश्वर सिंह, इनको राजा घोषित कर दिया। लेकिन यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ और दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में
फांसी दे दी गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन ए, ग्वालियर की सिंधिया ने। ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ये जो राजवंश था सिंधिया राजवंश, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की मदद की, हेल्प की थी। तो आप लोग अपना स्कोर बताइए, आपका कितना स्कोर रहा। इसमें भी मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के लिए, बिहार दारोगा के लिए, जेपीएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। सो बस इस वीडियो में इतना ही।